पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अब राज्यसभा भेजने की तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। मनमोहन सिंह को कांग्रेस ने राजस्थान की खाली पड़ी एक सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने वाली कांग्रेस के लिए मनमोहन को राज्यसभा भेजना कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लिहाजा उनका राज्यसभा पहुंचना अब लगभग तय है। लेकिन राजनीति नजरिए से राज्यसभा में मनमोहन सिंह के लिए कितने इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, यह जानना और समझना बेहद दिलचस्प है और जरूरी भी। इस रिपोर्ट में देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब जल्द ही राज्यसभा सदस्य के तौर पर जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। कांग्रेस की ओर से उन्हें राजस्थान में खाली पड़ी एक सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी का वो चेहरा है जो लगातार दो बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के अलावा वो एक आला अर्थशास्त्री भी हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से वो हमेशा न सिर्फ कांग्रेस आला कमान के सबसे नजदीकियों में से एक रहे, बल्कि उम्र की इस दहलीज पर भी पार्टी उन्हें पॉलिटिकली एक्टिव रखने और पार्टी के साथ बने रहने की चाहत रखती है। ऐसे वक्त में जब पार्टी एक साथ कई चुनौतियों से घिरी हुई है, मनमोहन सिंह को राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर दी गई है। पार्टी ने उन्हें राजस्थान से अपना उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे मदन लाल सैनी के निधन की वजह से उनकी सीट खाली हो गई थी, जिस पर अब कांग्रेस की ओर से मनमोहन सिंह को बतौर उम्मीदवार लॉन्च किया गया है। मनमोहन सिंह को इस सीट से उतारने के पीछे के फैक्टर्स को अगर समझने की कोशिश की जाए तो इस दिग्गज को इस सीट से लॉन्च किए जाने के पीछे भी पार्टी की एक रणनीतिक तैयारी है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार है, ऐसे में जाहिर तौर से कांग्रेस को राज्यसभा की खाली सीट पर अपने उम्मीदवार को भिजवाने में कोई परेशानी नहीं आएगी, लिहाजा मनमोहन सिंह का जीतना और राज्यसभा पहुंचना लगभग तय है। इसे लेकर एक दूसरे तरह की चर्चा भी है, वो ये कि यहाँ के मूठी नेताओं के बीच मनमोहन सिंह जैसा कद्दावर चेहरा सर्व स्वीकार्य होगा। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक उनके नाम पर किसी भी ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। इस ऐलान से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी, हालांकि मुलाकात में क्या बात हुई उस पर उन्होंने कुछ भी बोलने से परहेज किया। कांग्रेस अभी जिस दौर से गुजर रही है उसमें उन्हें मनमोहन सिंह की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि वो देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कद और अनुभव महत्व रखता है। अर्थव्यवस्था को लेकर मनमोहन सिंह की बात को देश बेहद गंभीरता से लेता आया है। गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद मनमोहन सिंह ने जीडीपी विकास दर धीमा होने की भविष्यवाणी की थी और वो सटीक भी साबित हुई थी। जाहिर है मोदी सरकार की दूसरी पारी उनके आर्थिक मोर्चे के प्रदर्शन पर प्रहार करने के लिए कांग्रेस के लिए मनमोहन सिंह से बेहतर नाम कोई और हो भी नहीं सकता था। राजनीति डेस्क, जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।